गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? आ गए? चलो, तो जिसका था हमें इंतज़ार वो घड़ी आ गई भाई, आ गई आ गई। चलो चलो, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों, आपको मालूम है कि इस समय हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, और साइंस में आपका जो चैप्टर चल रहा है वो कौन सा था? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, है ना? यही पढ़ रहे थे हम लोग कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो बच्चों, इसमें अभी अभी जैसा कि मैंने डिस्कस किया, जो बच्चे पिछले चैनल पे जुड़े रहे होंगे उनको मालूम चला होगा कि विलयन मैंने पढ़ाया था, विलयन में जो भी पढ़ा था उसके आगे मैंने डिस्कस किया था, है ना? तो ये तो आप लोग समझ गए। अब इसमें हम थोड़ा सा और आगे आपको लेके चलते हैं, दोनों चीज़ आप यहाँ पर समझो। तो आप लोगों को एक काम करना है बाबू, पहले तो इस क्लास को शेयर कर दो फटाफट। हाँ, सभी जितने भी साथी हमारे जुड़े हैं, जितने भी हमारे सैनिक जुड़े हैं, वो सभी इस क्लास को तुरंत लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। आप लोग क्या हो पता है? ऑनलाइन सेना हो। ऑनलाइन सेना वो जो ऑनलाइन वाला काम करती है। तो फटाफट शेयर कर दो अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में, व्हाट्सएप स्टेटस में, फेसबुक पर, जहाँ पर आप लोग जुड़े हो हर जगह शेयर कर दो बाबू। जल्दी से 100+ करो, फिर शुरू होता है कहानी आज की। हाँ, आपका लाइव 9 है ना ये साइंस क्लास 9th। हाँ, ठीक है ना बच्चा? तो चैप्टर कौन सा चल रहा था बच्चा आपका? चैप्टर नंबर 2। क्यों, चैप्टर सेकंड चल रहा था ना? तो क्या क्या पढ़ रहे थे हम लोग भाई? बहुत कुछ पढ़ रहे थे इसमें। अंश, सोनी जी, गुड मॉर्निंग। नीलेश, मनोज, कार्तिक, नाव्या, इरफान, मोहन, प्रिया शर्मा, स्वाति, सावन और सचिन, अमित, बबीता, रोशन, नरेश, सबको गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, तो हम लोग लास्ट टाइम पढ़े थे विलयन, और विलयन से ही ये कड़ी आगे जुड़ती जाएगी। हाँ, विलयन मीन्स सोलूशन। तो बच्चों, ये हम लोगों ने पढ़ा था, मतलब शुरू किया था ना, सोलूशन के बारे में हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो समझो यहाँ पर, अब इसके आगे मैंने आपको लगभग चीज़ें बता दिया था। तो इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता, ठीक है? क्या पढ़ेंगे? विलयन की सांद्रता। और सांद्रता के अंदर दो चीज़ पढ़ेंगे, वो क्या है? हाँ, इसी के अंदर हो जाएगी। आप लोग इसे लिख सकते हो विलयन की सांद्रता, ठीक है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, आप लोग यहाँ से इसको समझते चलो। प्रतिमा जी, गुड मॉर्निंग। हिमांशु, यूपीएससी, जिद्दी महेश, ठीक है बच्चा, वेरी गुड। चलो, सब यूपीएससी लगा लिए हैं, पढ़ाई चाहे कौनो ना करे। जैसे हलवा है, यूपीएससी मुंह में डाल के निकल जाओगे। मेहनत करना पड़ता है बच्चा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो और यहाँ आके चैटिंग करते हो, मतलब पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। नाम में यूपीएससी लगा लोगे तो हो जाएगा कुछ, कुछ नहीं हिलने वाला ऐसे। चलो देखो, समझो। अब इसमें बच्चों दो प्रकार का विलयन हम लोग बात करेंगे। देखो, कोई लिखेगा नहीं, इसको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। लिखवाने के लिए मैं आपको पीडीएफ फाइल दूंगा, ठीक है? पीडीएफ फाइल पीबीआर स्टडी के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो आप लोग टेलीग्राम पे पीडीएफ आ जाओगे। और ये है एक असंतृप्त। देखो मैंने आपको क्या समझाया अभी तक बच्चे, समझो यहाँ से। जब किसी भी द्रव में कोई ठोस वस्तु घोली जाती है तो क्या होता है, एक निश्चित मात्रा ही घुलती है ना? जैसे मान लो, उदाहरण के लिए छोटा सा मैंने आपको बताया कि अगर हम पानी घोलते हैं, चीनी पानी घोलते हैं ना, तो उसमें ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड चाहे जितना पानी और चाहे जितना चीनी घोल डालो तुम, कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत तो होगी, जरूर होगी, पक्का दिक्कत होगी ना। क्यों दिक्कत होगी? क्योंकि एक निश्चित मात्रा का चीनी ही उसमें घुल पाएगी पानी में। ऐसा नहीं कि 2-4 कुंटल चीनी घोल लोगे 2 लीटर पानी में, मतलब ऐसे समझ लो देसी भाषा में, एक आध बोरिया चीनी नहीं घुलेगी 1 लीटर पानी में, है ना? क्यों? क्योंकि 1 लीटर पानी में घुलने वाला जो, मतलब कोई भी पदार्थ है, चाहे चीनी है, नमक है, जो भी चीज़ आप घोल रहे हो वो निश्चित होगा, क्योंकि धीरे धीरे गाढ़ा होता जाएगा कि नहीं,
तो जब कोई विलयन में, ऐसे समझो इसकी परिभाषा, जब किसी विलायक में, जैसे चीनी और पानी घोलते हैं तो मैंने आपको बताया था कि पानी क्या विलायक है, चीनी क्या है विलेय है। जो पदार्थ ज़्यादा होता है बच्चा वो क्या होता है, वो विलायक होता है, जो कम होता है वो विलेय होता है। तो बाबू जल क्या विलायक है, जल क्या है, ये विलायक है, ठीक है, जो घोल रहा है। और चीनी, चीनी क्या है, विलेय है। फाइनल में क्या बनता है आपका, विलयन। अब ये मत कहो घोल के शरबत बनता है, नहीं वो तो शरबत अलग बात है, विलयन बनता है। तो जब पानी में चीनी घुलना बंद हो जाती है तब हम कहते हैं कि वो विलयन संतृप्त है। बात समझ में आई कि जब पानी में चीनी घुलना बंद हो जाए तो विलयन संतृप्त है। लेकिन तुम इसको ऐसे नहीं लिखोगे, क्योंकि विलयन सिर्फ चीनी और पानी का ही नहीं होता है, और भी बहुत प्रकार के विलयन हैं। तो बच्चा समझ रहे हो ना, विलयन सिर्फ चीनी और पानी का नहीं होता, बहुत तरह के विलयन हैं। तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हो कि जब किसी विलायक में विलेय घुलना बंद हो जाए तो उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। जब किसी विलायक में विलेय की मतलब मात्रा और आगे घुलना बंद हो जाए तो उसे संतृप्त बोलते हैं। अभिषेक बेटा शेयर कर दो क्लास को। बाबू आभा त्रिपाठी, पहले एक बात बताओ, आप लोग क्लास को लाइक क्या नहीं कर रहे हो यार, ऐसे कैसे मजा आएगी पहले मुझे बता दो पहले। मतलब मैं बोलूं बार बार तब करोगे? तो आप सभी बच्चे पहले इस सेशन को तुरंत लाइक करो, फटाफट बिना देर करे हुए जल्दी से लाइक करो, तब हम आगे बात करेंगे। संगीता भगोरा, राजकुमार तिवारी गुड मॉर्निंग, प्रिया शर्मा गुड मॉर्निंग, सोनू जी गुड मॉर्निंग, अमित सिंह गुड मॉर्निंग, हिमांशु, अंकुर, अंकिता, अलोकुश, लोबे, सबको गुड मॉर्निंग। चलो तो बच्चे क्लास को लाइक करो, शेयर कर दो ना यार, देखो ऐसे मजा नहीं आती, फिर पढ़ाने का मन जो है ना वो नहीं करता अंदर से। अगर बच्चे जुड़ते हैं ठीक ठाक तब तो मज़ा आती कि हाँ चलो जो कर रहे हैं अच्छा है, नहीं तो फिर यही मन करता है एप्लीकेशन वाला ही पढ़ाओ। ठीक है, एप्लीकेशन में बच्चे ठीक ठाक आते हैं, अपना प्यार से पढ़ते हैं, हमें भी कोई टेंशन नहीं है, उनको भी कोई टेंशन नहीं है, फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं होती, है ना। चलो तो फटाफट लाइक करो बाबू, ऐसे मज़ा नहीं आ रही, ऐसे भेजने को नहीं बोल रहा हूँ, अरे नीचे क्लिक करके ऐसे लाइक करना है। चलो चलो समझ रहे हो ना, तो संतृप्त समझ गए। असंतृप्त विलयन क्या होता है, जैसे मान लो एक लीटर पानी में तुम 100 ग्राम चीनी घोल लिए, तो बच्चा 100 ग्राम चीनी घोल लिए तो एक लीटर पानी में और ज़्यादा चीनी अभी घुल सकती है, तो इस तरह का विलयन क्या होगा, असंतृप्त होगा। जैसे देखो ऐसे तुम देख रहे हो ना क्लास, ऐसे ही तो देख रहे हो ना कि और कोई तरह से, ऐसे ही देख रहे हो ना, क्यों भाई क्लियर हो रहा है का नहीं हो रहा है, विजिबल नहीं हो रहा है, अब विजिबल हुआ ना, धीरे धीरे हुआ ना विजिबल। देखो ऐसे देख रहे हो तो तुम्हें ऐसे दिख रहा है, ऐसे क्या करना है, तुम लोग ऐसे देख रहे होगे, ऐसे चैटिंग आ रही ना, चैटिंग आ रही ना बच्चा, तो बाबू क्या करोगे, चैटिंग जो आ रही है ये देखो यहाँ से, मैं कुछ बता रहा हूँ आप लोगों को, कुछ लोग सीखना चाहते हैं, तो ये चैटिंग यहाँ से हटा दो ऊपर क्रॉस करके, चैटिंग हट गई, चैटिंग हट गई तो क्या दिखा, हाँ चैटिंग हट गई तो सीधा सीधा ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये ऐसे आ गया यहाँ ऊपर, ऐसे अंगूठा का निशान ऐसे क्लिक करना है, बस हो गया हो गया हो गया, बस इतना ही करना था। ठीक है, मुझे हर चीज़ सिखाना पड़ता है तुम लोग को, चलो ठीक है सिखाना पड़ता है, कुछ बच्चे कभी कभी पूछते हैं तो बताना पड़ता है, चलो ठीक है। हाँ तो बच्चे संतृप्त और असंतृप्त आप समझ गए कि जब किसी विलायक में विले पदार्थ की मात्रा से कम है तो वो विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है। समझ गए ना कि जब किसी विलायक में, जब किसी विलायक में, विलायक मीन्स अगर चीनी पानी की बात करें इसमें तो चीनी क्या है विलेय है, जल क्या विलायक है, तो जब किसी विलायक में विलेय की जो घुलने वाली मात्रा है वो कम होती है तो विलयन असंतृप्त कहलाता है। ऐसे समझ लो जैसे तुम अगर खाना खा रहे हो और तुम्हारा पेट भर गया, मतलब डकार कर लिया, खा गए, खा लिए 5 रोटी, तो फिर क्या हुआ, तुम संतृप्त हो गए। संतृप्त हो गए मतलब, जैसे आपने सुना होगा कहीं कहीं लोग बोलते हैं तृप्त हो गए, हाँ मतलब तृप्त का मतलब एक प्रकार से वही जो हम समझा रहे हैं। चलो तो बच्चे आप समझ गए कि नहीं, संतृप्त विलयन का मतलब वो होता है कि जब उस विलयन में मतलब विलायक में विलेय की मात्रा और आगे ना घोली जा सके,
कहने का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, लेकिन इसकी परिभाषा ऐसे देना थोड़ा सा अड़बड़ा सा लग रहा है। उदाहरण के साथ समझ लो, उदाहरण के साथ समझ लो। सबसे अच्छा उदाहरण है, सबसे कम खर्चा वाला आपके घर में हो जाएगा। आपके घर में हो जाएगा क्या करना, एक लीटर पानी लो, हाँ एक लीटर पानी लो, उसमें सूखी सूखी मिट्टी ले लो। हाँ गाँव देश से आप होंगे, जहाँ से भाई मिट्टी में पैदा हुए, मिट्टी है, उसमें क्या करो, एक लीटर मिट्टी मिला लो, मतलब एक लीटर पानी में पहले एक मुट्ठा मिट्टी मिलाओ, फिर आओ और फिर आओ और फिर आओ, और एक समय ऐसा आएगा जब उसमें मिट्टी नहीं घुलेगी, क्योंकि एकदम सूखा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं। तो जब ऐसी स्थिति आ गई, इसका मतलब मिट्टी और पानी का जो विलयन था वो संतृप्त हो गया। समझ रहे हो ना। तो ये होता है, अब इस पर ज़्यादा डिस्कस करने से कोई मतलब है नहीं बच्चे। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, सांद्रता ज्ञात करने की विधियां भी सिखाना है। आगे सांद्रता कैसे निकालते हैं, इसके लिए कुछ सूत्र हैं जो कि मैं लिख दूंगा, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। चलो लिख लो बच्चे, लिख लो भाई, तनु और सांद्र। हाँ बिल्कुल, यशराज सिंह राजपूत पूछ रहे हैं कि तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द है। जी हाँ बिल्कुल। देखो तनु का मतलब होता है फीका, एक प्रकार से फीका। जैसे अगर मान लो आप चीनी और पानी घोल करके रस शरबत बना रहे हो, तो 5 लीटर अगर पानी है, आपने उसमें 100 ग्राम चीनी घोल दिया, तो भैया 5 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी घोलोगे तो मीठा नहीं होगा, तो वो विलयन क्या है, तनु है। क्या है, तनु है। लेकिन आपने 5 लीटर पानी में 5 किलो चीनी घोल दिया, तो वो सांद्र विलयन हो जाएगा, मतलब बड़ा चटपटा हो जाएगा। समझ में आ रहा ना सबको। अमित सिंह कुछ समझ में आ रहा है। जसविंदर सिंह गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो बच्चे आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हो भाई, कुछ तो गधे हैं जो सुबेरे सुबेरे सोते रहते हैं, वो सोते रहते हैं, उठते ही नहीं 7 बजे तक। पता नहीं भगवान उनकी आत्मा को कहाँ रखा ले जाके, मतलब मैं क्या कहूँ, वो सोते ही रहेंगे, जाने दो, हटाओ। चलो UPSC, क्या नाम है भैया इनका, गर्ल सचिन नाम ले रहा है, तो काहे नाम लेने के लिए तो है। अब अगर कुछ गड़बड़ बोल रहा है तब बताओ, फिर बताएं मैं उसका। चलो देखो यहाँ पर विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां, आप ये सूत्र लिख लो बच्चा, इस पर हम सवाल करवाएंगे, ठीक है, इस पर हम सवाल करवाएंगे। विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां लिखो, ज्ञात करने की विधियां। देखो इसमें विलयन की सांद्रता पर क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है ना बाबू, समझ रहे हो ना। मतलब आपके एग्जाम में जैसे मैथ में क्वेश्चन आता है, वैसे इसमें क्वेश्चन भी आएगा। तो अगर आपसे पूछ लिया गया 1-2 नंबर का कोई छोटा सा सवाल, तो ये मत कहना ये तो साइंस है, इसमें क्वेश्चन कहाँ से आ गया, इसमें भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है, समझ रहे हो ना। देखो यहाँ पे समझो बेटा, रूपेश कुमार समझ लो, दीपक सौंधिया बेटा पढ़ लो, नहीं तो तेरा बाप जो है ना तेरे अंदर हो जाएगा, इधर पढ़ो। देखो द्रव्यमान या विलयन के द्रव्यमान का प्रतिशत, ये सूत्र है, लिखो पहले, लिखो सभी। लिखवाऊं कि ना लिखवाऊं भाई, इसको PDF फाइल में दे दिया जाए क्या, एक लिख दे रहा हूँ, आप लोग बताना, अगर कहो तो मैं लिखवा दूँ, नहीं तो फिर उसी PDF में मिल जाएगा। हाँ विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। तो बच्चा ये बताओ कि लिखवा दे कि ना लिखवाए, PDF फाइल में ही सही रहेगा। वैसे तुम लोग कहोगे कि ना लिखवाओ, मुझे पता है कहोगे ना लिखवाओ। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान लिखो, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, मैं सिर्फ एक लिखवा रहा हूँ बस, 3-4 है, ठीक है। नीचे विलयन का द्रव्यमान, जैसे ऐसे करना है ना बेटा, ऐसे इसमें तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैसे एक लीटर विलयन में 500 ग्राम चीनी घोली गई है,
तो ये बताओ बिलेन की सांद्रता क्या होगी, ऐसे भी तुमसे पूछ लिया जाएगा, तो तुम्हें सांद्रता का जो है फार्मूला लगा के निकालना होगा मान, ठीक है, समझ रहे हो ना बच्चा? हाँ लिखा दीजिए, अच्छा पढ़े लिखे हो का तुम लोग, चलो गुणे 100 कर लो बस इसमें। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इस पर आधारित आप लोगों को करना होगा। ये फार्मूला है बच्चा, लिख लो इसको। हाँ बिना सूत्र लिखवाए तो इसमें आप क्वेश्चन कैसे करवाएंगे? अगर सूत्र नहीं लिखवाए रहेंगे बेटा तो क्वेश्चन कैसे करेंगे? अभी तुमसे पूछा जाएगा कि 10 लीटर पानी और नमक का घोल है, 10 लीटर पानी और नमक का घोल है जिसमें नमक की मात्रा 1 किलोग्राम है, तो बिलेन की सांद्रता बताइए। तो तुम्हें सूत्र लगाने पड़ेंगे जो मैं लिखवा रहा हूँ उनमें से कोई। समझ रहे हो वो ना बच्चा? कशिश गुप्ता, मनोज सिंह, अखिलेश, मोनिका निषाद, पूनम, अर्पित, चलो ठीक है। तो बच्चा इसको लिख लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सामने से हट जाता हूँ, चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। हो गया, चलें आगे बढ़ें, चलो। तो बच्चा इसमें एक और भी है यहाँ पर, हाँ ठीक है लिखवा दे रहा हूँ, इसे लिख लो, उतार लो। अभी मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ सूत्र लिखवा रहा हूँ, सूत्र लिख लो आप लोग, इसमें 2-3 सूत्र लिखना है आपको, उसे लिख लो तब फिर आगे बात करते हैं बच्चा। हाँ लिख लो बबुआ, लिख लो फटाफट लिख लो तुम, चलो चलो देखो समझो, यहाँ से समझो क्या है, द्रव्यमान या द्रव्यमान के आयतन प्रतिशत, दूसरा वाला फार्मूला लिखो द्रव्यमान। देखो बच्चा अगर कॉपी पेन लेके बैठोगे सही पढ़ रहे हो तब तो अच्छी बात है, और अगर केवल चैटिंग करने के उद्देश्य से आए हो तो बर्बाद कर लो अपनी जिंदगी, क्योंकि तुम्हारे हाथ में है। द्रव्यमान के आयतन प्रतिशत नीचे लिखो, विलेय पदार्थ की का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ मतलब जो घुल रहा है थोड़ा सा है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान नीचे विलयन का आयतन, क्या लिखोगे? विलयन का आयतन। देखो अभी पिछले वाले सूत्र में विलयन का द्रव्यमान था बच्चा, समझ रहे हो ना, दोनों में अंतर है। इसमें 100 से गुणा कर लो, ये आपका दूसरा सूत्र था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, भैया ले लो, बाबू ले लो जल्दी ले लो, रोका किसने, स्क्रीनशॉट ले लो, मेरा भी मुंह आ जाएगा उसी में टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा सा। चलो विलयन का आयतन इंटू 100 है ये ऊपर, और विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, तो ये आपके दो सूत्र हो गए। आई उसका पढ़ लो। प्रिया शर्मा, कार्तिक गुप्ता, कार्तिक बच्चा ये हिंदी मीडियम की क्लास है बाबू, हम इंग्लिश मीडियम की क्लास आपके लिए उपलब्ध करवाएंगे, हमारी कोशिश है, तो उसमें इंग्लिश से इंग्लिश होगा। अब यहाँ पर दोनों संभव नहीं है, हाँ PDF में हो सकता है कि हम आपको इंग्लिश में भी टाइप करवा दें, ठीक है, PDF फाइल में इंग्लिश हिंदी दोनों में टाइप करवा दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर अभी संभव नहीं है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अधिकांश बच्चे हिंदी वाले हैं, इंग्लिश वाले बच्चे बहुत कम हैं। अच्छा कितने बच्चे इसमें इंग्लिश मीडियम के हैं, एक मिनट में एक पोल क्रिएट करता हूँ, एक मिनट भाई बाबू आप लोग मुझे बता दो, मुझे समझ में आ जाए। आप लोग एक पोल का जवाब देना, थोड़ा सा रुक जाओ, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका मीडियम क्या है, मीडियम क्या है मीन्स, समझ रहे हो, इंग्लिश या हिंदी, थोड़ा सा रुक जाओ मैं लिख रहा हूँ, हाँ इंग्लिश या हिंदी कौन सा बोर्ड है आपका, मतलब कैसे किताबें हैं आपकी, किस लैंग्वेज में, तो जिसकी अधिकता होगी उसी आधार पे हम लोग चलेंगे। तो चलो मैंने एक पोल क्रिएट कर दिया है बाबू, ठीक है,
मैंने एक पोल क्रिएट कर दिया है, आप लोग इस पे वोटिंग कर दो सभी बच्चे कि आपका हिंदी मीडियम है कि इंग्लिश मीडियम है, ठीक है। मैंने एक पोल क्रिएट कर दिया है बेटा, तो अब तक लगभग 80% हमारे बच्चे जो हैं वो हिंदी मीडियम हैं। देखो भूल से गलत मत लगाना वोटिंग, ठीक है, कि हम हिंदी मीडियम अगर हैं तो तुम बता दो कि नहीं इंग्लिश मीडियम है, भूल से गलती से नहीं करना, सही सही वोटिंग करो। तो वही हाल है ना, 100 में से 80 बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं, सिर्फ 20 बच्चे इंग्लिश मीडियम हैं, उनका भी हम ख्याल रखेंगे, बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। चलो बच्चा, वेरी गुड। चलो अगला नीचे वाला फार्मूला लिखो, तीसरा वाला बच्चा, तीसरा वाला सूत्र लिख लो बाबू, क्या कह रहा है। विलयन के आयतन या आयतन प्रतिशत लिखो, विलयन के आयतन या आयतन प्रतिशत, नीचे लिखो विलेय का आयतन, नीचे विलयन का आयतन, क्या लिखोगे, विलयन का आयतन इंटू 100, क्या करना है 100 से गुणा करना है। ये आपके तीन सूत्र थे, ठीक है, ये आपके क्या थे, तीन सूत्र थे बाबू, ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ, तो अधिकांश बच्चे क्या हैं, अधिकांश बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे कम हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, इंग्लिश मीडियम वालों का भी हम ख्याल रखेंगे, अलग से करेंगे उनके लिए, वो परेशान ना हो, बिल्कुल भी हैरान ना हो बाबू। हाँ चलो ठीक है, और किसी का कोई सवाल तो बताओ भाई। सभी बच्चे वोटिंग करो जो स्क्रीन पे दिख रहा है, आपसे हिंदी या इंग्लिश सेलेक्ट करना है, आपकी लैंग्वेज क्या है, किताब की इंग्लिश में है या हिंदी में है, सिर्फ आपको इतना सेलेक्ट करना है। और जिनका कोई और है इंग्लिश हिंदी के अलावा, वो भी इंग्लिश ही सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जिससे मालूम चलेगा कि हाँ मतलब आपका हिंदी नहीं है। चलो ठीक है, तो ये हो गया, आप ये सूत्र लिख लो। तो बच्चा इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, मतलब प्रश्न करेंगे इस पर आधारित, लेकिन अभी हम आप लोगों से पहले कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछेंगे बाद में हम करेंगे, ठीक है। बेटा देखो राम किशोर जी, अंग्रेजी की क्लास जल्दी चलवाएंगे, सर की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आँख में कोई दिक्कत चल रही है तो इस वजह से नहीं चलवा पा रहे हैं अभी, उनका कुछ एग्जाम वगैरह भी था, नहीं तो चलेगी जल्दी ही। तो आप लोग मुझे ये बताओ बच्चा जल्दी से फटाफट, अब कुछ क्वेश्चन का जवाब दो जो अभी तक पढ़े हो। देखो जितना पढ़े हो उतना तैयार करके चलो, ढेर सारा पढ़ने से मतलब नहीं है, ऐसे समझ लो अगर तुम दो रोटी खा रहे हो तुमको हजम हो जा रहा है तो बेटा दुइये रोटी खाओ, और अगर तुम 10 रोटी खा करके हमेशा लेटरिंग में बैठे हो तो ना मत खाओ 10 रोटी, मतलब समझ रहे हो मेरा, कि जितना पढ़ो उतना याद हो जाए, तैयार हो जाए। हाँ ये नहीं कि ढेर सारा पढ़ लो एक के दिन में और तुमको याद ना हो, उसमें से कुछ भी ना तैयार हो, तो ऐसी पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। तो जितना पढ़ो उतना आपको मतलब आने लगे, समझ में आए, कहने का मतलब कंज्यूम करो, ऐसे कुछ होता ना इंग्लिश वर्ड तो ऐसे डेंजरस होता है। तो आप लोग मुझे सवाल का जवाब दो कि अगर चीनी और पानी का विलयन है बच्चा, तो उसमें विलेय क्या है, बताओ। हाँ सभी बच्चे जवाब दो, इधर साइड समझो, क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, चीनी और पानी का विलयन है तो उसमें विलेय क्या है, चीनी विलेय है या पानी, बताओ। हर्षित कुमार UPSC बॉय, ठीक है सभी बच्चे बताओ भैया, मैंने क्वेश्चन सिंपल सा पूछा है, ये सभी लोगों को पता होना चाहिए बेटा। हाँ चीनी और पानी का विलयन है तो उसमें विलेय क्या है और विलायक क्या है, क्योंकि अभी मैंने आपको पढ़ाया विलेय। भाई तिवारी जी बता रहे हैं कि विलेय जो है वो पानी है, अच्छा
कुछ लोग पानी बता रहे हैं, कुछ लोग चीनी बता रहे हैं। मतलब तुम लोग अभी तक ये नहीं समझ पाए कि बिले क्या है और बिलायक क्या है, तो फिर कैसे पढ़ोगे चचा? हाँ, कैसे पढ़ोगे लाल टोपी? पढ़ लोगे तब भी तो समझ लो। मैं इसलिए रिपीट करवा रहा हूँ बेटा, इसलिए रिपीट करवा रहा हूँ क्योंकि जब तुम प्रियंका से बात कर रहे थे तब मैं पढ़ा रहा था, फिर तुम देखे ही नहीं, तुमको आया ही नहीं। ऐसे जब तुम पेपर देने जाओगे ना बेटा, तो वहाँ भी ऐसे ही होगा, वहाँ भी ऐसे ही होगा। एग्जाम सेंटर में जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि जब गुरुजी पढ़ा रहे थे तो हम कहीं और देख रहे थे। ठीक है, तो बेटा चीनी और पानी के विलयन में जो विलेय है वो चीनी है राजा। क्या है? चीनी है। क्यों? मैंने बताया था कि अगर कोई भी दो पदार्थ वस्तुओं को, कोई भी दो प्रकार के अलग अलग तत्वों को एक में मिलाया जाता है तो जो कम होता मात्रा में वो विलेय होता है, जो जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो क्या होता है? वो विलायक होता है। जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो क्या होता है? विलायक होता है। ठीक है, विलायक बोल रहा हूँ, ये देखो, विधायक नहीं। हाँ हाँ, नहीं तो तुम ऐसे करोगे, विलायक विधायक नहीं। हाँ एक चीज़ समझ लो, अगर कोई ऐसा विलयन बन रहा है जिसमें आपका चीनी ज़्यादा है पानी कम है, लेकिन ऐसा कभी संभव ही नहीं है चचा। हाँ बेटा बाप के पहले आ जाए धरती पे, ऐसा संभव नहीं है। पहले बाप ही आएगा तब बेटा आएगा। क्यों? क्योंकि आठ लीटर अगर पानी है उसमें तुम 25 किलो चीनी कैसे घोलोगे? वो घुलेगा ही नहीं, जब विलयन बनेगा ही नहीं निकालोगे क्या? तो ऐसा संभव ही नहीं। ठीक है, कोई भी घोल बनेगा उसमें हमेशा पानी ज़्यादा रहेगा। कोई भी अगर ठोस वस्तु को पानी में घोली जाती है तो पानी हमेशा ज़्यादा होगा, तभी वो घुलेगा, नहीं तो घुलेगा ही नहीं। ऐसे समझ लो कि जैसे बच्चा, अगर आपको नाव चलानी है, बोट जिसे बोलते हैं, तो पानी में ही चलेगा ना। ऐसा तो नहीं कि बोट में पानी, हाँ बोट में पानी भर सकते हो लेकिन फिर बोट चलेगी नहीं, पानी ज़्यादा होगा तभी नाव चलेगी। समझ में आ रहा है ना? आयुष्का एंड अनुष्का, पढ़ाई कर लो नहीं तो भाग जाओगी यहाँ से, यूँ जान लो। हाँ बहुत देर से चैटिंग पैटिंग कर रही हो, हाँ तुम लोग की वजह से ना कोई पढ़ता है और ना कोई पढ़ना चाहता है, पता नहीं इनको क्या चाहिए। भाई पढ़ाई कर लो बाबू, पढ़ाई कर लो, चैटिंग वाला काम बाद में कर लेना ना, पहले पढ़ाई कर लो। ये सब मात परेशान रहते हैं, हेलो हाय, और अपना सारा दुख दर्द यहीं पलट देते ला करके, क्योंकि इनको कोई सुनाने सुनने वाला है नहीं, मुझे ऐसा लगता है। देखो हम एक काम करते हैं, पूरा दिन भर लाइव कर देते हैं, पढ़ाएंगे नहीं, हम अपना काम करेंगे, तुम लोग अपना चैटिंग करो उसी में, अच्छा रहेगा ना? बोलो हाँ सही रहेगा? तब नहीं करोगे, तब नहीं करोगे, मुझे पता है, क्योंकि मम्मी आएंगी, पापा कोई आएगा तो कहेगा कभी क्या कर रहा है मैं घुस के, हमें कोनो मास्टर दिखावे नहीं करेगा तो क्या कहोगे? इसमें दिखाओगे हम हील रोल रहे हैं, कहोगे देखो देखो पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देखो देखो हम फालतू काम नहीं कर रहे। तो आगे क्या हो रहा भाई? प्रीतम विश्वास, कुछ समझ में आ रहा है? उमेश शुक्ला, ठीक है, नहीं अच्छा नहीं, चैटिंग नहीं करोगे? ये बेवकूफ है का, किसको ब्लॉक करवा रहा है? हाँ तो ये समझ गए आप लोग। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे समझो आप लोग, वो ऑक्सीजन लेते हो कि नहीं तुम लोग? भाई जहाँ हम खड़े हैं हम भी ऑक्सीजन ले रहे हैं। अब तुम कहोगे हमारे नाकुन्ना में वो तो नहीं लगा है डंडा वंडा। देखो नेचुरली हम लोग प्रकृति का ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, जब हम लोग स्वस्थ होते हैं। जैसे अभी कोरोना काल में देखो ऑक्सीजन की बड़ी न्यूज आ रही थी, तो जब फेफड़ा कमज़ोर हो जाता है, इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो खुद से ऑक्सीजन मतलब नहीं ले पाता सांस, तब उसको अलग से दिया जाता है। ऐसे समझ लो बच्चा, जैसे तुम खाना खा लेते हो ना, क्यों खा लेते हो, कैसे खाते हो, हाथ से उठाते हो मुंह में डालते हो, लेकिन सोचो कि अगर तुम्हारा हाथ ही खराब हो जाए, खुदा ना खास्ता हमारा हो जाए, तुम्हारा किसी का भी हो जाए, क्या भरोसा है इस ज़िंदगी का, तो खाना मुँह तक कैसे जाएगा? खाना मुँह तक कैसे जाएगा? फिर कोई ना कोई खिलाएगा या किसी ने किसी माध्यम से मुँह तक जाएगा तब खा पाओगे ना। तो उसी तरह से फेफड़े में भी जहाँ तक मुझे पता है ऐसा कुछ होता है कि जब उसका एक प्रकार से हाथ खराब हो जाता है, जो ऑक्सीजन उसके अंदर तक ले जाता है, खींचता है, भाई कोई ना कोई प्रक्रिया तो होती ना, वो गड़बड़ हो जाता है, तब फिर लगाना पड़ता है। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ
ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे ये पूछने वाला हूँ बेटा, ये वायु, ये बताओ वायु बिलेन है या नहीं है, हा? ये एक सलूशन है या नहीं है, बताओ 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 फटाफट बताओ। बबीता, हाँ ठीक है, कमेंट आ रहा है। नरेश, शुभम, बेटा बेटा बच्चा बच्चा पढ़ लो राजा, पढ़ लो पढ़ लो, नहीं तुम्हारा क्या करूँ मैं, खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। हाँ पढ़ लो, अच्छा रहेगा यार, देखो पढ़ाई लिखाई क्लियर हो गए ना, ज़िंदगी में बहुत जगह मान सम्मान मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, जिसलिए तुम अभी तड़प रहे हो ना, हाँ जिसलिए अभी तड़प रहे हो ना, वो भी मिलेगा। देखो कोई चीज़ जब तक नहीं होती हमारे पास ना, तब तक ही उसकी चाहत होती है, और जब हमारे पास आ जाती है ना, तो वो बिना मतलब की हो जाती है। जैसे सोच लो एक छोटा सा बच्चा है, वो खिलौने के लिए बहुत छटपटाता है, बाजार जाता है, मेला जाता है, मम्मी के साथ में दुकान पे कहीं जाता है, बहुत रोता चिल्लाता है, लौटने लगता है, नहीं मुझे लेना ही है लेना ही है। हाँ वहाँ से ले लिया, लेके आएगा क्या करेगा, एक दो दिन उसको खेलेगा अच्छे से, उसको बहुत मज़ा आएगा, उसके बाद कोने में फेंक देगा, फिर वो खिलौना पुराने खिलौने से कोई मतलब है ही नहीं, उसको मज़ा ही नहीं आएगा। तो उसी तरह से आप लोग भी हैं, ये जिस खिलौने के लिए परेशान हो ना, ये चैटिंग में मैं देख रहा हूँ, वो बस थोड़े देर मज़ा आएगा बस, उसके बाद फिर नहीं आएगा। तो वायु क्या है, ये भी एक प्रकार का विलयन है, हाँ ठीक है, ये क्या है, ये भी एक प्रकार का विलयन है बच्चा, लेकिन ये क्या है, ये गैस में गैस का विलयन है, ये चीनी पानी वाला नहीं है, चीनी पानी वाला नहीं है। देखो समझो कैसे, जो हम लोग सामान्य तरह से सांस ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन होती है, क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये ऐसी गैसें हैं जो तुम्हें जनाई पड़ती है, जिसमें ऐसा माना जाता है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट टाइम में जो है अभी तो फिलहाल 20% है, कितना 20% है, 21% थी किताबों में, आप देखोगे तो लिखा होगा आपके 21%, लेकिन अब इस वायुमंडल में पर्यावरण में जो ऑक्सीजन है वो 21% नहीं बची है, क्यों, क्योंकि हम लोग इतने गंधेले हो चुके हैं, इतना ज़्यादा कचरा कर दिए हैं पूरे देश में पूरे विश्व में कि ऑक्सीजन घट गई है, और इसका परिणाम ये है, आप देखो आपके जो बाबा थे, बाबा मतलब पापा के पापा, वो 100 साल से ज़्यादा जिए होंगे, आपको तो नहीं पता होगा क्योंकि तब आपका कोई निशान नाम नहीं था कि आप कहाँ हो कौन सी दुनिया में, अपने पापा से पूछना कि आपके पापा के जो पापा हैं वो 100 साल से ज़्यादा जी रहे होंगे, हाँ, और आपके जो पापा के पापा हैं उसके और पीछे, वो और ज़्यादा दिन तक जिंदा थे, मतलब उनकी आयु ज़्यादा थी, लेकिन वहीं आपके या हमारे पापा की आयु देखें तो उनकी तुलना में कम रहेगी, और हम लोग की आयु हम लोग के पापा की आयु से भी कम रहेगी, अगर पापा लोग मान लो कि 80 साल जीते हैं तो हम लोग 70 साल जियेंगे, 75 साल, समझ रहे हो, और हम लोग को जो बचौना लोग आएंगे ना वो लोग और कम, क्यों, क्योंकि जो पर्यावरण है ऑक्सीजन है जैसे मतलब जो सांस लेते हो वो पहले काफ़ी हद तक शुद्ध रहती थी, धीरे धीरे गंदी होती गई गंदी होती गई, और दिनों दिन गंदी होती जा रही है, क्यों, ऐसे समझ लो बच्चा, देखो समझने वाली चीज़ है, यहाँ पर समझने वाली चीज़ है कि पहले जो बुजुर्ग लोग हुआ करते थे, जैसे हमारे बाबा, हमारी आजी बताती थी, आजी मतलब जानते हो, आजी किसे कहते हैं गांव देहात में देसी भाषा में, पापा की जो मम्मी होती है उन्हें आजी बोलते हैं, भाई हमारे यहाँ बाकी आपके राज्यों में अलग 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 बात होती है, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, तो आजी हमारी बताती थी पहले अगर कहीं जाना है रिश्तेदारी, हाँ जैसे मान लो भैया सुबेरे मामा घर जाएगा है, तो जिसको जाना होता था वो सुबह 4 बजे निकल देता था बोर में, साथ में पानी वानी लेता डिल्लू में, डिल्लू उल्लू तो शायद था ही नहीं, घड़ा वड़ा रहता था मिट्टी का, और अपना चना पिसान जो भी खाना हो, भाई मान लो मामा का घर 100 किलोमीटर दूर है, हाँ तुम लोग को सुन के बड़ा अजीब सा लगा होगा कि 100 किलोमीटर तो इस समय हम बाइक नहीं चला के जाते हैं क्योंकि थक जाते हैं, हाँ 100 किलोमीटर तो हमें चाहिए लेटने वाला एम्बुलेंस की, लेट जाए चले जाए, तो पहले वो लोग पैदल ही जाते थे 100 किलोमीटर, अब कहोगे कितना दिन लगेगा, भाई कितना दिन लगेगा भाई, 10-12 घंटा पहुँच जाएंगे 100 किलोमीटर, तो इतना ज़्यादा मेहनत करते थे अपनी शरीर को, इतना ज़्यादा टॉर्चर करते थे कि शरीर नहीं वो लोहा हो जाती थी, और हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग बाइक भी लेते हैं ना तो सोचते हैं उसमें सेल्फ होना चाहिए, मतलब पैर भी ना झिटकना पड़े, नहीं किक नहीं लगाना पड़े, किक लगाने पे हम लोग थक जाते हैं,
तो इसका यही मेन कारण है, समझ पा रहे हो ना। वो लोग क्या खाते थे, वो लोग चना भिगो के खाते थे, हाँ, गाय बकरी का दूध पीते थे कच्चा लगा के तुरंत निकाल के। हाँ, हम लोग कौन सा दूध पीते हैं, या फिर हमारे आने वाले बच्चे कौन सा दूध पिएंगे, पाउडर वाला, केमिकल वाला, मतलब जो बनाया जाता है आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है, मतलब वो उसमें दूध नाम की चीज़ होती ही नहीं है, समझ रहे हो ना, दूध नाम की चीज़ होती ही नहीं है। तो कंडीशन ऐसी आ गई है कि जो रियल का दूध होता है, मतलब जिसमें कुछ ना मिलाया गया हो पानी वानी, कुछ ऐसे भी शहर हैं जहाँ वो पानी पीते आए बचपन से, जब से पैदा हुए हैं, अगर उन्हें कोई दूध दिया और अच्छा वाला दूध दे दे जिसमें पानी ना मिला हो, वो लेबे नहीं करेंगे, कहेंगे ये तो गड़बड़ है, दूध है ये नहीं, क्योंकि वो कभी देखे ही नहीं सही तरीके से कि आखिर दूध सही वाला होता कैसे। आप समझ रहे हो ना, कोई अगर बच्चा है, कोई अगर बच्चा है और आपके घर में एक कुत्ता है, आप समझो एक छोटा सा बच्चा है, एकदम छोटा सा, और आपके घर में एक कुत्ता है, उसको रोज़ तुम बता रहे हो बच्चा ये शेर है, ये शेर है बेटा, बच के रहना, ये शेर है, तो वो बड़ा होगा तो उसको शेर ही समझेगा। क्यों? क्योंकि उसको जब वो समझदार नहीं था तब से तुम उसको शेर 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 कर रहे हो, तो वो बड़ा होगा तो उसको शेर ही तो मानेगा। बोलो हाँ या नहीं, सभी बच्चे बोलो यस या नो, बोलो 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 हाँ या नहीं, समझ रहे हो ना भाई, शेर ही तो मानेगा ना बच्चा। क्यों? क्योंकि उसको शुरू से सिखाया जा रहा है। तो वही कंडीशन है आज के समय में, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको हम और आप रियल फॉर्म में देखे ही नहीं, क्योंकि हम जब से पैदा हुए हैं, जब से हम देख रहे हैं इस दुनिया देश में, हमें उसी रूप में दिख रही, तो हमें पता ही नहीं कि वो सही सही होती कैसे है ना। इसका एक उदाहरण ऐसे भी समझ लो, जैसे देखो हाथी देखे हो, भैंस देखे हो, गाय देखे हो, भाई सब लोग के गांव में होगे, शहर में होगे, देखे होगे, कोई आसमान से तो गिरे नहीं हो, निकले तो एक जगह सभी हो, है ना। तो वो क्या होते हैं, एक छोटी सी रस्सी में या उनको जंजीर में बांधा जाता है, बांधा जाता है ना। एक हाथी को एक जो पिल्ला भर का पहलवान उसके ऊपर बैठता है, वो उसको कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि जब वो छोटा सा था तब से उसको वही सिखाया गया, अब वो समझ रहा है कि हाँ मेरी औकात इस ऊपर बैठने वाले इंसान से कम है, इसलिए उसका कहना मानता है, बात मानता है, ठीक है। लेकिन जब कभी उसको उसका मालिक याद आ जाता है, वो कोई कॉमेडी देखे हो कि नहीं, अचानक मुझे मेरा मालिक याद आ गया, वो छुप छुप ऐसे कुछ लुका छुपी मूवी का नाम था ऐसे कुछ शायद ना, जिसमें वो कपड़ा खूब तेज तेज पटकने लगता है, हाँ कहता है अचानक मुझे मेरा मालिक याद आ गया। तो वैसे होता है जब हाथी को अचानक उसका अपना ताकत याद आ जाता है, जिससे लोग बोलते हैं पगला गया है, हाथी बउरा गया, पगला गया है, तब क्या करता है पता है, माता तहस नहस कर देता है, वो जो पिल्ला भर का आदमी ऊपर बैठा पहले तो उसको उठा पटक देता है, वो निपट गया, उसके बाद घर गाड़ी पेड़ जो भी मिलता है सब तोड़ फोड़ डालता है, करता है ना। क्यों? क्योंकि उसको पता चलता है कि अब मैं इस गुलामी से बाहर आ गया हूँ, जो मैं अब तक सीख रहा था कि नहीं मैं इतने ताकतवर हूँ, है ना, ये जानते हो कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए, वैसे होती हैं हमारे आसपास, लेकिन हम लोग कभी ध्यान कहाँ देते हैं। तो क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो जानवर जो भी है वो उसे बचपन से जब छोटा सा था तभी से उसे बांधा जाने लगा। भाई जब हम लोग के यहाँ गाय का एक बछड़ा पैदा होता है तो उसे क्या करते हैं, जब पहले पैदा होता है ज़मीन पे आता है, गिरता है, फिर वो बैठने लगता है, थोड़ा देर बाद उछलने लगता है, भागने लगता है। हम इंसानों की तरह थोड़ी 6 महीना पड़ा रहे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, वो आधा घंटा बाद कूदने लगता है। तो उसको क्या करते हैं हम लोग के गाँव में, भाई पहले उसका आगे वाला पैर बांधते हैं कुछ समय के लिए, कहते हैं नहीं डायरेक्ट गले में नहीं बांधा जाता, फिर उसको गले में बांधते हैं। तो यानी आज ही वो पैदा हुआ, आज ही उसके गले में फंदा पड़ गया, तो बड़ा होगा तो क्या करेगा, वो उस फंदे को बहुत मजबूत मानेगा, क्योंकि वो जिंदगी भर बंधा है उसी में। और यही स्थिति आजकल हमारे देश के युवाओं की है। क्यों पता है ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये जब से पैदा हुए इनके पूर्वज जो भी थे, मतलब पूर्वज की ज़्यादा लंबे की बात तो ना करें, एक आध पुस्त की, अंग्रेज पहले अपने यहाँ हुआ करते थे, आपको पता है वो लोग हम लोग को गुलाम बनाए थे, एक प्रकार से नौकर की तरह ट्रीट करते थे। हाँ तो भैया गुलामी तो दूर हो गई, देश आज़ाद तो हो गया, लेकिन वो गुलामी नहीं गई नौकरी वाली। इसलिए आपने देखा होगा आजकल हर एक बंदा चाहता है कि वो सरकारी नौकरी करे, सरकारी नौकरी करे। हर एक बाप यही चाहता है कि उसका बचवा जो है या बचिया जो है उसकी ब्याह शादी जहाँ करें सरकारी वाले से करें। क्यों? क्योंकि ये मानसिकता है, ये गुलामी है एक प्रकार से सरकारी वाली। बाकी आप अपना भी कोई काम कर सकते हो, अब कहोगे तो मोदी भक्त है भैया, मोदी को हम वोट नहीं देते हैं लेकिन जो हकीकत है हम उस पर बात कर रहे हैं। मतलब देखो मैं दोनों तरफ जा रहा हूँ, एक तरफ तो मैं आपको अपना विचार बता रहा हूँ जो
तो फिर कुछ लोग हमारी कंपेयर करने लगेंगे राजनीति में, तो मैं उसमें भी क्लियर कर दे रहा हूँ। अब बताओ आगे, अगर हम मोदी जी को वोट नहीं देते और ये बात बता रहे हैं तो फिर क्या मतलब है? ये रियल है, सच्चाई है, डिपेंड बनिए खुद पे, समझ रहे हो ना? अभी आप लोग 9th में हो, आगे जाके आप भी गाली दोगे सरकार को, जो भी सरकार रहेगी, कि नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन मेहनत करना सीख लो बच्चा, ठीक है? तो बात आपकी काफ़ी आगे जा रही है। हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे बिलेन में, है ना, क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो इस सब बात को यहीं पे ख़त्म करो, रफा दफा करो, आगे चलो। देखो जो भी बातें हो रही हैं यहाँ पर वो इम्पॉर्टेंट ही हैं, फालतू का बात नहीं हो रहा है। हाँ तो बच्चा ये बताओ, अब कुछ क्वेश्चन पूछेंगे हम लोग, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये बताओ, समांगी और विषमांगी विलयन पढ़े हो ना, होमोजीनियस एंड हेटरोजीनियस पढ़े हो, तो कोई भी आप लोग समांगी विलयन मिश्रण का एक उदाहरण बताओ। सभी बच्चे बताओ, समांगी मिश्रण का कोई एक उदाहरण बताओ, होमोजीनियस का एक एग्जांपल बताओ सभी। चलो बताओ फटाफट बताओ। अखिलेश कुमार बच्चा पढ़ाई कर लो बेटा, पढ़ाई कर लो राजा, पढ़ाई कर लो, अच्छा रहेगा। चलो, समांगी मिश्रण मैंने बताया था जिसमें एक ही प्रकार का मतलब हो सब कुछ, ऐसे समझ लो। अरे वही तो बताया था जिसमें मिलावट उलावट ना हो, जिसमें अलग से कोई मिलावट ना हो ना, यही तो पढ़ाया था, अलग से ऊपर से कोई वस्तु की मिलावट ना हो। हवा, कोई बता रहा है, कोई नींबू पानी बता रहा है। अबे ये विलयन नहीं पूछ रहा हूँ, मिश्रण पूछ रहा हूँ। ये नींबू पानी क्या है? ये नींबू पानी तुम्हारा ये समांगी हो गया, क्या कहूँ। चलो ठीक है, देखो बच्चा इसमें जैसे दूध हो गया, ये होगा स्टील हो गया, पीतल हो गया, जिसमें अलग से कोई चीज़ ना मिलाया जाए, मतलब ओरिजिनल रहे रियल भाव में, ठीक है। तो फिलहाल 8 बज चुका है, आज का क्लास यहीं पे एंड करेंगे, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो बताओ, नहीं तो 2 मिनट रुको मैं आता हूँ, उसके आगे भी बताऊँगा। आप लोग ये बताओ मुझे सबसे पहले, वो पानी का क्वथनांक कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सभी बच्चे कमेंट करो, मैं 1 मिनट में आता हूँ, फिर आपको बताता हूँ अभी, यहाँ कुछ काम है, 1 मिनट। बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है बच्चे, 100, ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। UPSC बॉय काजल कुमारी, मनोज, रोशन, संकेत, पुष्पा, अंशु, और कौन है, रेनू, विजय, ठीक है। पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा, याद रखना 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कोई बताएगा? हाँ देखो, रिवाइज करवा रहा हूँ अब मैं जो आज पढ़ाना था वो पढ़ा दिया, थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपसे पूछना जरूरी है। अच्छा, बर्फ का गलनांक कितना होता है, बर्फ का गलनांक कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बताओ, बर्फ का गलनांक कितना होता है, जल्दी बताओ बच्चे, फटाफट बताओ। देखो छोटी छोटी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। लोहे का गलनांक कितना होता है, लोहे का गलनांक कितना होता है, दूध का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। हर चीज़ का तुम्हें याद होना चाहिए, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है। हिमांशु ठीक है, वेरी गुड,
यूपीएससी बॉय, ये नाभ्या गुप्ता क्या बता रही, पगली वगली है का ये? हाँ ये 34 डिग्री क्या है? 34 डिग्री तो कुछ नहीं होता है, ये 34 डिग्री क्या है? देखो बच्चा, साइंस में कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं जिन्हें आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक आपको पता होना चाहिए। जैसे बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है यानी क्वथनांक, क्वथनांक ही बोलते हैं ना, लोहे का गलनांक कितना होता है और स्टील का गलनांक कितना होता है, पीतल का गलनांक कितना होता है, मतलब गलनांक का मतलब जिस पे वो गल के पिघल जाए, एकदम द्रव हो जाए, गलनांक क्या होता है? यही तो होता है ना, हाँ गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट। यानी जैसे मान लो हम ये पेन लिए हैं, इस पेन को इतना गर्म करो कि पानी हो जाए, एकदम पानी पानी होगा ना, सुने हो ना, पानी पानी मतलब वो पानी नहीं, ये पानी, यानी इसको इतना हीट करो कि ये पिघल जाए एकदम, उसी को बोलते हैं बस। समझ में आ रहा ना सबको कि नहीं? हाँ लोहे का 1534 होता है, बिल्कुल लोहे का जितना गलनांक होता ना बचवा, अगर उतने टेम्परेचर में हम लोग जाए ना तो वहाँ ऐठ जाएंगे, मालूम ही नहीं चलेगा कहाँ चले गए, हड्डियों नहीं मिलेगी, हड्डी की राख नहीं मिलेगी बच्चा 1534 डिग्री टेम्परेचर पे। क्यों? क्योंकि हम जीते हैं 25 डिग्री टेम्परेचर पर, कहाँ उस असुरा 1534 है, मतलब 1500 तो खुद ज़्यादा है, वो 1500 तुम्हारे मुंह से छोटा लग रहा है लेकिन टेम्परेचर में जाओगे तब पता चलेगा। हाँ धूप में बैठना पड़ता है ना, नहीं याद आ जाती है 10 मिनट, तो 1534 कौन झेलेगा। आगे अच्छा ये बताओ बच्चा, आगे कुछ ऐसे मुझे एग्जांपल बताओ जिनसे शीतलता मिलती है, कोई ऐसा द्रव है जो उड़ जाता अपने आप। देखो ये एग्जांपल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बताओ जल्दी से फटाफट, हाँ जल्दी बताओ, कोई बता रहा है? ध्रुव एंटरटेनमेंट ब्लॉग, मॉर्निंग में लाइव क्यों आया? बेटा मॉर्निंग में लाइव तो रोज आता है, सुबह 7 से 8 रोज लाइव होता साइंस, शाम को 7 से 8 मैथमेटिक होता है, गणित होता है। और हाँ इसी चैनल पे जो भी बच्चे मैथ रिवाइज करना चाहेंगे शुरू से, रात के 9 बजे कर लेना बेटा, ठीक है? रात के 9 बजे मैथ आपकी रिवीजन चल रही, रात 9 बजे इसी चैनल पे, और इसी चैनल पे प्रेजेंट टाइम में अभी आपका मैथ शाम को रेगुलर भी चल रहा है 7 बजे से, PVR स्टडी चैनल नंबर 2 पर, यानी PVR स्टडी 2.0 पर। लेकिन ये अपडेट है आपकी आज 27 जुलाई की, हो सकता बाद में आप देख रहे हो तो कुछ और हो। हाँ तो जैसे देखो बच्चा, जो उड़ने वाली बात मैंने बोला, जैसे परफ्यूम हो गया, पेट्रोल हो गया, कहो तो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है सैनिटाइजर हो गया, तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, ये उड़ जाती हैं। क्यों उड़ जाती हैं अब बताओ? जब मैं पढ़ाया था तो मैं सब बताया था तुम्हें, लेकिन अगर धीरे धीरे पढ़े होते तब ना। अच्छा ये बताओ, आर्द्रता जानते हो? आर्द्रता सुने हो कि नहीं? ह्यूमिडिटी यही बोलते हैं ना। अच्छा बेटा ये बताओ कि जब आर्द्रता बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण कम होता या ज़्यादा? हाँ अगर हम कहें कि आर्द्रता बढ़ गई, क्या हुई? बढ़ गई, तो वाष्पीकरण प्लस होगा या माइनस? ये सब चीज़ तुम्हें आनी चाहिए बच्चा, साइंस पढ़ रहे हो, मैंने सब पढ़ाया है। आर्द्रता बढ़ने का मतलब ये है, जैसे मान लो बारिश हो रही है बेटा, हाँ बारिश हो रही है और हवा भी चल रही है, तो क्या होगा? आर्द्रता का मतलब होता नमी, भाई नमी बढ़ी रहेगी। नमी का मतलब जैसे तुम ऐसे समझ लो, कूलर लगाते हो खिड़की के पास में, तो क्या होता है आपके कमरे की आर्द्रता बढ़ती है, बढ़ती कि नहीं? हवा में थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा महसूस होता है। अखिलेश बोल रहा है कम होगी, उग्रसेन कुमार कम होगी, वर्मा जी कह रहे हैं बढ़ जाएगी, UPSC बॉय जगदीश, अनुराग, मनोज यादव, राजकुमार तिवारी, बबीता एबे लौंडे, कौन है ये? अमित सिंह, बेटा तुम्हें तो मैं ब्लॉक कर दिया हूँ, परमानेंट ब्लॉक कर दिया, नालायक कहीं का गधा, नहीं तो सब तो उत्तर बता रहे हैं, ये कह रहा बात कर लो मुझसे कोई, तुम कचरा जैसे आदमी से कौन बात करे बताओ, किस काम के हो तुम? तुमसे अच्छा तो सड़क पर बैठा हुआ डॉगी भी होगा ना, कम से कम भूखेगा तो कोई आएगा, कुछ काम तो कर रहा है। यहाँ सब तो उत्तर दे रहे हैं। चलो भाई बहुत अच्छे, चंद्रकांत पाठक वेरी गुड, बहुत पीछे हो बेटा अभी तुम, मुकेश ठीक है। देखो भैया वाष्पीकरण कम होगा, क्या होगा?
नमी कम होगा तो वाष्पीकरण तेज होगा, कौन लिखा है यार ये? आप लोगों को पीडीएफ मिली थी, उसमें कुछ मिस्टेक भी था क्या? नमी अधिक होने पर वाष्पीकरण, नमी कम होने पर वाष्पीकरण तेज होगा। नमी कम होने पर वाष्पीकरण भी क्या होगा भाई? नमी कम होगी तो वाष्पीकरण तेज होगा, नमी ज़्यादा होगी तो वाष्पीकरण कम होगा, ऐसे समझ लो। वाष्पीकरण का मतलब ऐसे समझ लो बच्चा, मान लो बारिश हो रही है, हाँ मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए ना, अब मान लो तुम्हारा यार हंस रहा है और बारिश हो रही है, तो ऐसी स्थिति में अगर तुम्हें कपड़े सुखाने हैं तो भैया छत पर सुखाओगे नहीं, बारिश हो रही छत पर। आप अपने कमरे में ला करके खीला कांटा गाड़ के टांगोगे कपड़ा, और बहरे खूब झमाझम बारिश हो रही है, तो तुम्हारा यार हंस ही रहा है, वो बंद ही नहीं कर रहा है, तो बारिश भी नहीं बंद हो रही है, तो फिर क्या होगा? वो कपड़ा सूखने में टाइम ज़्यादा लगेगा ना, टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि बाहर आर्द्रता बढ़ गई, नमी बढ़ गई है। और लेकिन समझ लो तुम्हारा यार सो रहा है, वो हंस ही नहीं रहा है, तो क्या है, खूब तेज से धूप निकली है। अब जब धूप निकली है, बाहर धूप निकली है, अब तुम कपड़े बाहर मत फैलाओ, मैं नहीं बोल रहा हूँ धूप में डालो, अपने कमरे में भी डालोगे ना तो जल्दी सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर जो है धूप है, बाहर जो है आर्द्रता नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ राज वर्मा, समझ में आ रहा है कि नहीं? हर्षित कुमार, कहाँ बारिश हो रही भाई? अरविंद चक्रवर्ती, तो बच्चा ये समझ लो जब आर्द्रता बढ़ जाती है, यानी नमी बढ़ जाती है, तो वाष्पीकरण कम हो जाता है। वाष्पीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पढ़ाने वाला मैंने पढ़ा लिया, जो नए बच्चे आए वो समझ लें, यहाँ पर रिवीजन हो रहा है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, इसी क्लास में करवाएंगे तभी तुम करोगे, मुझे पता है तुम घर पे नहीं करोगे, तुम घर पे रिवाइज करोगे ही नहीं, क्योंकि घर पे तुम्हें बहुत सारा काम है। जब तुम इसमें इतनी चैटिंग कर रहे हो, गपशप कर रहे हो, तो घर पे कितना करोगे भगवान जाने, वो तो जितना तुम पढ़ाई करते हो काली माई जाने पढ़ते कितना हो। आर्यस हैंडीक्राफ्ट, रोशन विश्वकर्मा, आ गए हो आप, चलो ठीक है। कशिश गुप्ता, तो अच्छा एक बात और बताओ, वायु की गति पर निर्भर करता है क्या वाष्पीकरण, हाँ या नहीं? वाष्पीकरण स्पीड ऑफ विंड, विंड बोलेंगे क्या बोलेंगे भाई हवा को, हाँ बताओ, अगर हवा खूब तेज चल रही है तो वाष्पीकरण बढ़ेगा या कम होगा? मान लो आंधी चल रही है, देखो जहाँ तक बात करें हवा तेज चलने का, तो हवा चलने से वाष्पीकरण कम होगा या ज़्यादा होगा, ये इसके लिए हमें आर्द्रता भी जानना जरूरी है कि वो हवा कैसी कंडीशन में चल रही है। अगर मई जून वाली गर्मी में चल रही है, तड़पती धूप में, तब तो वाष्पीकरण बहुत तेज होगा, लउलक चौचक होगा एकदम, हाँ बहुत तेज होगा, बाल्टी में पानी भर के रख दोगे अंगना में उड़ जाएगा, वैसे सूख जाएगा। लेकिन इतना तेज अभी कभी हुआ नहीं है क्योंकि अभी टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता। लेकिन हाँ ये है कि अगर आप एक बाल्टी पानी छत पर रख दोगे सुबह, खूब गर्मी तेज है, हवा भी चल रही है, तो शाम तक देखोगे बहुत ज़्यादा नहीं, तब भी 10-20 ग्राम तो सूखा ही रहेगा, उड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि उड़ जाता है वाष्प बन के, ऐसा नहीं कि ये बाल्टी खाली हो जाएगी। हाँ कौनों गया पलट वलट दिया, लेके टॉयलेट वॉलेट चला गया, वो अलग बात, तब कम हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो बच्चा आगे इसमें और भी पढ़ना है। अब एक बात मुझे और बताओ, आप लोग गर्मियों में खेतों और तालाबों के पानी, गर्मियों में खेतों और तालाबों के पानी जल्दी क्यों सूख जाते हैं? ये पूछा जा सकता है तुमसे परीक्षा में, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताओ गर्मियों में तालाबों में भरे और गड्ढों में भरे पानी क्यों सूख जाते हैं, तुमको लिखना पड़ेगा, कारण बताओ। तब क्या करोगे? मैंने बहुत अच्छे से समझाया बचवा तुमको, बहुत अच्छे से समझाया, आपकी बार गांव चलते हैं, चलो तुमको लाइव भी दिखाएंगे गड्ढा वड्ढा हमारे गांव जो है। हाँ बताओ क्यों सूख जाता है? प्रांजल तिवारी, यूपीएससी जिद्दी महेश, बबीता मौर्या, रोशन, रेनू, प्रियंका, ज़्यादा फर्मी से, ये ज़्यादा फर्मी और ज़्यादा गर्मी नहीं, साइंस की भाषा में बताओ, साइंस की भाषा में बताओ, टेम्परेचर की वजह से नहीं, ये भी गलत है। अंकित कुशवाहा, क्योंकि खुदी होता है, हैं ये सही जवाब दिया है बबीता मौर्या ने, वर्तिका श्रीवास्तव ने। देखो लड़कियां हमेशा आगे क्यों होती हैं? क्योंकि लड़के तुम लोग जैसे नालायक होते हैं, ये कह रहे हैं गर्मी से सूख जाता है,
भाई गधे साइंस की भाषा में वाष्पीकरण बोलेंगे, क्योंकि वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण के कारण सूख जाता है। तुम कहोगे गर्मी के कारण, तब तुम्हारा उत्तर गलत माना जाएगा, वो शुद्ध नहीं है। बाकी तुम्हारा मतलब तो वही है लेकिन वो शुद्ध नहीं है। वाष्पीकरण होता है, इवापोरेशन होता है, इस कारण से सूख जाता है। समझ में आया ना? तो गर्मियों में खेतों और तालाबों के पानी जल्दी इसलिए सूख जाते हैं क्योंकि वाष्पीकरण तेज होता है। ये सब चीज़ें तुम्हें याद होनी चाहिए। आगे आगे अगर बात करें, हमने आपको बताया था कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, जैसे उसमें से एरिया ऑफ सरफेस भी डिपेंड करता है, एरिया ऑफ सरफेस भी डिपेंड करता है। तो बच्चा ये बताओ कि सतह का क्षेत्रफल अगर बढ़ा दिया जाए तो वाष्पीकरण तेज होगा कि कम होगा? बोलो प्लस या माइनस, सिर्फ इतना बोलना। अगर किसी भी सतह का क्षेत्रफल यानी एरिया बढ़ा दिया जाए तो वाष्पीकरण प्लस होगा या माइनस? बोलो, सिर्फ प्लस और माइनस में जवाब दो। राज वर्मा, ये सब यूपीएससी लगा लिए नाम में, मैं बोलूँ किसका? अब नहीं बोलूँगा, जितने यूपीएससी वाले हैं कमाल कमाल के हैं, ये पढ़ना नहीं है, नाम में तो यूपीएससी बॉय लगाए हैं। चैटिंग कर रहे हैं, हाय प्रियंका कहाँ से हो तुम, अपना व्हाट्सअप नंबर दे देती तो अच्छा रहता। हाँ, ये यूपीएससी वाले हैं क्या कहूँ मैं इनको। चलो सचिन बेटा, इसका पीडीएफ मिलेगा जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। जब चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो पीडीएफ इसका पीवीआर स्टडी के टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया जाता है। पीवीआर स्टडी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। चैनल कैसे ज्वाइन करोगे, ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उस वीडियो को देख लेना। नहीं मिलता है नीचे हेल्पलाइन नंबर चल रहा है, इस पर मार देना फ़ोन कॉल एक बार। चलो, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो वाष्पीकरण बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। जिन्होंने प्लस बताया है सही जवाब है। नरेश बेटा, तुम तो बहुत देर से चैटिंग कर रहा है, तुम्हारा तो ऐसे गलत है, माइनस बता रहा है, प्लस होगा। प्लस क्यों बचवा? इसका एक एग्जांपल मैंने बताया था कि तुम लोग चाय पीते हो, हाँ चाय पीते हो इसे कप में, तो अगर मान लो कि तुम कप में नहीं पी रहे हो, देखो कितना प्यारा कप बन गया, ज़िंदगी में पहली बार बना है, अच्छा बना है ना। तो अगर कोई एक बच्चा कप में चाय पी रहा है और दूसर का और ख़तरनाक है, कह रहा है कप नहीं है लावा थरी में दादा में, मतलब समझ रहे हो, अगर कप नहीं है वो थाली में ले लिया, प्लेट में ले लिया, अरे प्लेट का मतलब ढकनी वकनी नहीं, थरिया मतलब गहरी वाली, तो इसकी चाय गर्म रहेगी ज़्यादा देर तक, और जो चौड़े बर्तन में ले लेगा वो भाई, ये थाली में अगर कोई चाय पिएगा, कोई प्लेट मतलब उसमें पिएगा कप में, तो किस में जल्दी ठंडा होगा? ये चाहिए ना, ए में जल्दी ठंडा हो जाएगी, ए में जल्दी ठंडा हो जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि उड़ेगा जल्दी, भाप तेजी के साथ निकलेगी, जल्दी ठंडा हो जाएगी, समझ रहे हो ना। तो बच्चा क्यों जल्दी ठंडा क्यों हो जाएगी? क्योंकि इसमें वाष्पीकरण तेज होगा, इसमें वाष्पीकरण कम होगा। ये जो तुम अपने दैनिक जीवन में दिन रात करते हो ना, सब साइंस है। ये तुम चैटिंग कर रहे हो ना, तुम्हारा दिल कर रहा है ना कि हम फलानी चैटिंग कर लेना, इसमें भी साइंस है, क्योंकि तुम्हारे अंदर में एक हार्मोन्स है, हार्मोन्स काम कर रहा है, वो अट्रैक्टिव करता है। जब देखो एग्जाम्पल समझ लो, जो तुम लोग कर रहे हो मैं उसी के बारे में बात करता हूँ। जब कोई एक लड़का एक लड़की को देखता है तो क्या होता है, या कोई एक लड़की एक लड़के को देखती है और उसका विचार क्या आता है? तुम लोग जो सोच रहे हो वो बात नहीं करने वाले, मतलब लगता है ना कि हाँ अच्छा है या अच्छी है, मतलब बात करना चाहिए, मतलब फ्रेंड्स होने चाहिए, हम लोग को साथ में पढ़ना चाहिए, घूमना चाहिए, मतलब बहुत सारे विचार आते हैं तुम लोग के। ये सब क्यों आते हैं? इसमें भी साइंस है, क्योंकि आप लोग के अंदर एक हार्मोन्स काम करता है। अगर वो हार्मोन्स काम करना बंद कर दे तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे लड़का देख रहे हो, चाहे कुत्ता देख रहे हो, चाहे बिल्ली देख रहे हो, कोई मतलब नहीं, मतलब वैसे ही रहोगे। और सेम ये कब होता है, देखो जब अभी तुम लोग कितने कक्षा 9 में हो, 10 में हो मान रहे हैं, तो 9-10 में हो तो 14-15-16 साल के हो, तो ये बच्चा 12 साल से शुरू हो जाता है लगभग, हाँ 12 साल से शुरू हो जाता है। और लेकिन मान लो 60 साल के दादा हैं, हाँ 60 साल के दादा हैं, अब दादी जा रही हैं, दादी भी 58 साल की हैं, 57 साल की, तो दादा दादी के अंदर वो हार्मोन्स काम नहीं करेगा जो तुम्हारे अंदर करेगा, समझ रहे हो ना, नहीं करेगा उतना ज़्यादा, एक्टिवेट नहीं होता उतना ज़्यादा, लेकिन हाँ कुछ तो करेगा ही थोड़ा बहुत, आपने सुना होगा। तो ये सब क्या है, इन सब के पीछे साइंस है, इन सब के पीछे साइंस है। जो तुम बाइक से जा रहे हो, कार से जा रहे हो,
उन सब के पीछे साइंस है। तो दुनिया में जो हम कुछ आज कर रहे हैं, जी रहे हैं, उस सब में साइंस है। क्या है? उन सब में साइंस है। नरेश बेटा पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो अच्छा रहेगा, पढ़ाई कर लो अच्छा रहेगा। चलो मजा आ रही ना? बिल्कुल, साइंस बहुत मजेदार विषय है। साइंस में तो एग्जांपल मिलता अच्छा अच्छा यार, मैथमेटिक्स में तो बोरिंग हो जाती है ना, क्योंकि उसमें दादा दादी और ये तुम लोग का हार्मोन्स वाली बात बता ही नहीं पाते हैं, क्योंकि मैथ है, मैथ में कहाँ से आएगा ये सब? ये सब क्या है? साइंस है। पूरी दुनिया क्या है? साइंस है। क्योंकि हम लोग जो भी कर रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, सब साइंस है। देखो कुकर में खाना बनता है, कुकर में खाना बनता है, उसमें भी क्या होती है, वाष्प, मतलब जो गैस है इकट्ठा होती है, फिर इकट्ठे सीटी मारता है, ऊपर निकल जाता है। भाई हमारे जैसे कुकर रहे तो सीटी आसमान में लटक जाती है, पता है? इसके पहले एक कुकर था, हम लोग उसमें खाना बनाते थे ना, तो जब सीटी आती थी ना, तो सीटी ऊपर जाके अटक जाती थी। हम लोग सोचते थे कि अभी सीटी निकल ही रही है, वो गिरती नहीं थी नीचे, मतलब तब तक ठंडा हो जाए सब, इतनी हल्की थी ये, मतलब समझ रहे हो। तो फिलहाल आज का क्लास ख़त्म करेंगे बच्चों। देखो मज़ा भी आनी चाहिए क्लास में, समझ में भी आना चाहिए, तभी मज़ा आती है ना। अनुराग बहुत अच्छा है, कब बहुत बढ़िया बनाया ना, तो ठीक है बच्चा। हाँ नरेश बेटा पढ़ रहे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम तो इतना अच्छे हो कि मैं तुमसे क्या कहूँ। चलो तो फिर आज का क्लास यहीं पे बंद करते हैं। बच्चे जो भी कमेंट नहीं कर पा रहे ना, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे बाबू। और एक बात और सुन लो, आप लोगों से निवेदन है कि इस क्लास को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में, ठीक है? शेयर जरूर करना। और एक चीज़ सुन लो बच्चा, आपका ये PVR स्टडी चैनल नंबर 3 है ना, ये 9th-10th वालों के लिए स्पेशल रूप से बनाया गया है। आप YouTube पे PVR स्टडी 3.0 सर्च करके इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस पे 9th-10th की क्लासें आपकी रिवाइज करवाई जाएंगी शुरू से। शुरू से 1 अगस्त से इस पे रिवीजन चलेगा, साइंस भी पहला चैप्टर से, मैथ भी पहला चैप्टर से, सब कुछ रिवाइज करेंगे चैनल नंबर 3 पर। अगर आप छूट गया, आपका पीछे का पढ़ना चाहते हो, रिवाइज करना चाहते हो, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है बच्चे? तो मिलते हैं फिर। हाँ, जो बच्चे PDF चाहते हैं बेटा, जो बच्चे PDF चाहते हैं, वो बच्चे क्या करेंगे, PVR स्टडी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे। क्या करेंगे? PVR स्टडी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे बाबू। टेलीग्राम पे हम आपको जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो PDF भिजवा देंगे। और दूसरी बात है, और सुन लो, और ये सुनना है कि जो बच्चे जितना कुछ पढ़ाया गया सब इकट्ठा जब चाहे तब पढ़ें आल समय के लिए, तो वो PVR स्टडी का ऐप डाउनलोड कर लें। PVR स्टडी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो बाबू, इसमें आप कोई डाउट भी पूछ सकते हो अगर आपको नहीं आता है तो। तो मैंने आपको 3 बातें बताई, पहला तो आप चैनल नंबर 3 को सब्सक्राइब कर लेना, रिवाइज होगा। दूसरा आप टेलीग्राम पे PVR स्टडी ज्वाइन कर लेना, इसमें PDF मिलेगा। तीसरा आप PVR स्टडी का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेना अगर हो सके तो, इसमें आपको इकट्ठा पूरा क्लास मिल जाएगी विद डाउट ऑप्शन, है ठीक है? डाउट लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, बताया जाता है इसमें, सब डाउट बताया जाता है। ओके, तो थैंक यू बच्चे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाबू शेयर करके जाना क्लास को, और लाइक करना नहीं भूलना। अगर तुम लाइक नहीं किए ना, तो कल जो ये सब गपशप कर रहे हो ना, करने नहीं देंगे, जान लो। हाँ, तो लाइक करके जाना। चलो, थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू।